नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अमेरिका में चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। महज कुछ दिन के अंदर वहां राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले एक सर्वे में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को करारा झटका लगता हुआ देखा जा रहा है। जानिए आखिर कहां ट्रंप मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में भारतवंशी क्या भूमिका निभाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। चुनाव से पहले हर साल भारतीयों का मूड क्या कह रहा है, इसको लेकर एक सर्वे किया जाता है, जिससे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि अब की कौन उम्मीदवार बाजी मार रहा है। अब की बार जो सर्वे किया गया है, उससे ट्रंप को झटका लगता हुआ देखा जा रहा है। वैश्विक भारतीय समुदाय के नेताओं के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया स्पोरा और एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर्स ने मंगलवार को भारतीय अमेरिकी मतदाताओं के व्यवहार पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जो राष्ट्रपति चुनाव पर आधारित थी। भारतीय अमेरिकी समुदाय में 66% लोग डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन के पक्ष में हैं, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल 28% लोग ही अपना नेता बनाना चाहते हैं। मंगलवार को रिलीज हुए एक सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट में ये पाया गया है कि हाल ही में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद ट्रंप अपने चुनाव अभियान में भारतवंशियों को लुभा नहीं पा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने 2016 के मुकाबले भारतवंशी समुदाय पर अपनी पकड़ बनाई है, क्योंकि उस वक्त ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 16% वोटर ही थे, जबकि प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को 77% भारतीय अमेरिकियों ने समर्थन किया था। अब देखना ये होगा कि ये सर्वे कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।